हेलो, आई एम परेश सोलंके, इंटरनेशनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेनर। ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सीएचए का क्या रोल रहता है। मैं आपको पूरा बताऊंगा सीएचए क्या क्या करते हैं। बट मैं आपको पहले बता दूं कि हमारे इंडिया में जैसे कि लॉजिस्टिक वाला हो गया, फ्रेट फॉरवर्ड वाला हो गया, सीएचए, तीनों वैसे अलग अलग चीज़ें बट सर्विस तीनों एक ही देते हैं। सीएचए का काम है कस्टम क्लियरेंस करने का। बट वो लोग आपको जो सीएचए है वो लोग आपको लॉजिस्टिक भी करके देंगे, फ्रेट फॉरवर्डिंग भी करके देंगे और कस्टम क्लियरेंस भी करके देंगे। और आप कभी कोई लॉजिस्टिक वाले से मिलोगे तो लॉजिस्टिक वाला बंदे का काम है ट्रांसपोर्टेशन का, लॉजिस्टिक करने का, बट वो आपको कस्टम क्लियरेंस भी करके देगा और फ्रेट फॉरवर्डिंग सीज बाय एयर का भी करके देगा। तो तीनों लोग, आप किसी को भी मिलो, तीनों जो तीनों लोग अलग अलग है, बस सर्विस तीनों सब देते हैं। मतलब कि मैं आपको बोलूं कि सीएचए का कांटेक्ट करो, मतलब उसमें लॉजिस्टिक वाला भी आ गया, फ्रेट फॉरवर्ड भी आ गया, बराबर है। तो आप लॉजिस्टिक कंपनी या सीएचए को कांटेक्ट कर सकते हो। जो सीएचए है उसका मेन काम तो है कस्टम क्लियरेंस करने का। तो सीएचए क्या करता है, तो सीएचए हमारा शिपिंग बिल फाइल करता है, बराबर है। जो आइस गेट में हमको शिपिंग, जब व्हाट इज शिपिंग बिल, जब हम हमारा गुड्स कार्गो को एक्सपोर्ट करते हैं तो एक्सपोर्ट करने के लिए एक एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ती है आइस गेट, हमारी जो साइट है गवर्नमेंट को, बराबर। तो उसमें जो एप्लीकेशन फाइल करते है, वो फाइल करते हैं सीएचए, और उसको हमारा जो गुड्स फिर पोर्ट पे फिजिकली जाता है तो उसको कस्टम क्लियरेंस करवाते हैं। तो सीएचए का काम है कस्टम क्लियरेंस करवाने का, बट वो आपको एडिशनल सर्विस भी देते हैं, जैसे कि लॉजिस्टिक हो गया। तो सीएचए आपको बहुत सारा क्वेश्चन होता है कि सर हमारा जो गुड्स है वो यहां से अमेरिका कैसे पहुंचेगा, यहां से अफ्रीका कैसे पहुंचेगा। तो आपको मेन चीज है आपका जो नॉलेज डेवलप करने का, आपको बाहर फाइंड करने का इंपॉर्टेंट चीज है, आपका स्किल डेवलप, आपके पास स्किल डेवलप आपको करना पड़ेगा, तभी आपको बाहर मिलेंगे, तभी ये काम होगा। बाकी जो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह जो है वो काम है सीएचए लॉजिस्टिक वालों का। तो सीएचए का आपको सर्विस देगा, आपके गोडाउन में से गुड्स को उठा के सामने वाले के गोडाउन तक भी वो रख सकता है। इंकोटम क्या है वो आपको सब उसे देना पड़ेगा। तो जो है आपके गोडाउन से, मतलब गोडाउन से गुड्स को लोड करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा, पोर्ट तक वो ले जाएंगे, वो सर्विस देते हैं। उसका सर्विस एक्स्ट्रा पैसा लेते हैं, फ्री में नहीं करके देते, पैसा लेते हैं। बट आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती, आपके पास बस नॉलेज होना चाहिए कि मामू ना बना पाए कि इसका इतना लगता है, इधर पैसा देना होता है, उधर पैसा देना होता है। इसलिए आपको ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको सीखना इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो मैं प्रैक्टिकली बताता हूँ कितने कितने पैसे कहाँ कहाँ लगते हैं। और हमारे जो यहाँ पे जो लॉजिस्टिक में से भी फैकल्टी आते हैं, एक्सपर्ट फैकल्टी लॉजिस्टिक से भी आगे बताते हैं जो प्रैक्टिकली ये प्राइसिंग कैसे होता है, क्या होता है। तो ये जो है आप सीख सकते हो हमारी ट्रेनिंग में। बाकी जो सीएचए हो तो यहाँ से आप लॉजिस्टिक वहाँ पोर्ट तक ले जाएगा, फिर तीन टाइप के जो स्टफिंग भी आते हैं अलग अलग, वो भी वो करके देगा अकॉर्डिंग टू आपकी रिक्वायरमेंट, बराबर है। तो वो यहाँ से आप पोर्ट पे ले जाएगा और पोर्ट पे ले जाके वो बंदा कस्टम क्लियरेंस करके शिप में उसको जो गुड्स को रख देगा और शिप वहाँ से अमेरिका सामने वाले पोर्ट तक पहुँचाएगा। तो ये लॉजिस्टिक का भी सर्विस देता है, फिर जो यहाँ शिप का है तो फ्रेट फॉरवर्डिंग का भी सर्विस देता है और कस्टम क्लियरेंस का भी सर्विस देते हैं। और भी जो सीएचए सर्विस देते हैं, डॉक्यूमेंटेशन में सर्विस देते हैं, जैसे कि आपको सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन चाहिए, आप खुद भी निकलवा सकते हो, सीएचए भी निकलवा के दे सकते हो। आपको फाइटो का सर्टिफिकेट चाहिए, सीएचए भी निकलवा के दे सकते हो, आप खुद भी निकाल के ले सकते हो। फिर आपको फ्यूमिगेशन सर्टिफिकेट चाहिए तो सीएचए भी करवा के देगा, आप खुद भी करवा सकते हो। तो ये जो आपको कि सर मेरे को और भी डॉक्यूमेंट बनाने कौन बना के देगा, तो सीएचए उसमें आप खुद भी कर सकते हो और एडिशनल सर्विस हो सीएचए भी देते हो, चार्जेस लेते हैं बट आपको सर्टिफिकेट बनवा के देते हो, क्योंकि उसका रोज का काम होता है, उसके पास एजेंट भी होते हैं, उसके पास आदमी भी होते हैं जो रोज चैंबर ऑफ कॉमर्स में जाते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में जाते हैं। ईआईए एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसी का सर्टिफिकेट चाहिए तो भी सीएचए निकाल के देता है, और कहीं सीएचए नहीं भी निकाल के देते, उसका सर्विस नहीं होता है, वो डिपेंड रहता है। तो यू हैव टू चूज राइट सीएचए जो आपको पूरा अच्छा सर्विस देगा। तो ये सीएचए का रोल है कस्टम क्लियर करने का, और इंडिया में यहाँ पे वो पूरा ट्रांसपोर्टेशन और फ्रेट फॉरवर्डिंग भी करके देते हैं। तो ये भी, और यहाँ पे एक दूसरी बात बता दूँ, सीएचए जो होते हैं वो कई प्रोडक्ट में स्पेशलाइज होते हैं। कोई पेरिशेबल कार्गो के स्पेशलाइज होते हैं, कोई केमिकल हैजार्डस प्रोडक्ट के स्पेशलाइज होते हैं, कोई फार्मा के स्पेशलाइज होते हैं, कोई नॉर्मल का जो गुड्स है उसके भी स्पेशलाइजेशन होते हैं, कोई सेकंड हैंड मशीनरी वगैरह में स्पेशलाइज होते हैं, क्योंकि इसका कस्टम क्लियरेंस का लिटिल बिट प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट रहता है और उसके डॉक्यूमेंट अगर अलग अलग चाहिए तो उसको पता होता है तो वो उसमें डील करते हैं। तो इंपोर्ट में कहीं सीएचए का मास्टरी होता है इंपोर्ट में होता है, कहीं का मास्टरी होता है एक्सपोर्ट में, तो अलग अलग स्पेशलाइजेशन की तरह ये पूरा फील्ड है। तो इस हिसाब से सीएचए पूरे आपको हेल्प करते हैं। तो सीएचए बहुत अच्छे होते हैं, हेल्पफुल रहते हैं, बट वो आपको ये ध्यान रखना है आपसे ज़्यादा चार्जेज वो ना ले ले,
बराबर है, दो तीन सी एच आप कंपेयर करो, दो तीन सी एच से आप भाव कंपेयर करो, फिर जो अच्छा लगे उसे आप जो है आप उसे गुड्स दे सकते हो। और सी एच जो है वो बाकी से सब सर्विस आपको देगी तो इतना टेंशन नहीं है, बट आपको नॉलेज लेना चाहिए जो मैं पूरा आपको सिखा सकता हूँ। अगर आपको वीडियो जो अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगा तो आप उसे डिसलाइक भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और शेयर कीजिए तो और भी लोगों को इन्फॉर्मेशन मिले, और यहाँ पे जितना हमारा कम्युनिटी बढ़ेगा उतना हमें फ़ायदा है और हमारे देश को फ़ायदा है। थैंक यू।